स्काई न्यूज़ पंजाब एक बार फिर तो दर्शकों का स्वागत है। मैं शिव नारायण जांगड़ा गल कर रहा कि राजनीति अज किहड़ी दिशा वाल जा रही है। कुछ कांग्रसी, कुछ अकाली ते कुछ भारतीय जनता पार्टी, इस तो अलावा होर विरोधी पार्टियां भी अज नवयुवकों का दुरउपयोग कर रही ने। अज चंडीगढ़ विखे भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी ABVP ने चंडीगढ़ विखे उन्होंने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इतों तक गल तो इस हद तक पुज गई जो उन्होंने कहा जिसकी सोनिया मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। ये बहुत ही ज़्यादा नवयुवकों लिए नौजवानों लिए गलत गल है। आओ तो दिखाने चंडीगढ़ तो कोमल सिंगला की साड़ी ये विशेष रिपोर्ट। मन्या कि नेरा बहुत कणा है पर इहदा मतलब यह नहीं वे दीवा जलाउणा मना है। सोनिया दी कांग्रेस सरकार नकम्मी है, तुसे BJP सरकार नु कोई दोष नहीं ला रहे, क्या कारण है? ABVP है ते BJP नाल कोई रोल नहीं हैगा। ABVP दा BJP तो कोई लेना देना नहीं है। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब, मैं कोमल सिंगला। अज असीं पहुंचे विधान सभा दे बाहर, पंजाब भवन दे बाहर, जिथे ABVP वालों ABVP के कार्यकर्ताओं वालों एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्हों का मुद्दा उन्होंने इस मौके पर पंजाब सरकार को घेरदिया कहा कि पहला पंजाब दे विच सिक्ख्या घोटाला होया, उस तो पहला शराब घोटाला होया, तो हुण पंजाब दे विच खेतीबाड़ी बिल जिहड़े पंजाब सरकार वालों रोके नहीं जा रहे, उन्हां बारे उन्हां नाल गलबात करदे हां। ABVP दे कार्यकर्ताओं नाल वी उन्हां दा की मुद्दा की कहना इस टॉपिक बारे। विधानसभा का घेराव अस इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे स्कॉलरशिप स्कैम जो पंजाब दे विच दिखाई देता है, पंजाब गवर्नमेंट का पूरा स्कैम रहा है, जिहड़े ऐसे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप जी है बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहे, तो जिदा बिल्कुल टारगेट लिता जा रहा है। जो इन्हों का मिनिस्टर है धर्मसोट, उन्होंने खिलाफ 64 करोड़ रुपए का जो प्रोटेस्ट है वो आया है, मतलब जेडे उन्होंने भ्रष्टाचार 64 करोड़ रुपए का दिखाया। तो सरकार ये हमेशा कभी इन्हों का शराब का घोटाला चल रहा है, कभी इन्हों का ऐसे स्कॉलरशिप स्कैम चल रहा है, तो सरकार बिल्कुल एक्चुअली असं स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की गल पहलो रखांगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा कितने होर साइमनटेनियसली चल रहा है, उन्होंने करन वाली उन्होंने होर किसानों दी जत्थेबंदियां रही ने। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी दी, मैं UISTM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर। आओ गल करते हैं, एक उगे एक सीनियर साढ़े विच ने जिहड़े लगता कि स्कूल या यूनिवर्सिटी नाल संबंध नहीं रखते, इस विच इस मौके ते धरना प्रदर्शन दे विच साथ दे रहे ने। अनुसूचित जनजातियां प्रॉब्लम हुई है, हक हो गए पोस्ट स्कॉलरशिप जो फंड होता है सारा का सारा सरकार ने अपने कुछ सरकार के कुछ लोगों ने उसमें कपला किया है। मैडम जेकर गल की जाए ABVP BJP का एक अंग मनी जाती है तो पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है, तो तुहानू नहीं लगता कि कितने ना कितने इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है? राजनीति की गल नहीं है, इतने गल यह है कि इतने जिहड़े अनुसूचित जनजाति के लोग है उन्होंने हक हो गए हैं, असं उन्होंने लिए अगे आए हैं। ਜਿਹੜਾ ABVP ਹੈ ਇਹਦਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ABVP BJP ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ABVP ਨੂੰ ਸਾਰੇ BJP ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ABVP BJP ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ABVP ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, BJP ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ABVP ਦਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
जेकर गल की जाए तो वालों नारे लाए जा रहे हैं भी सोनिया की कांग्रेस सरकार नकम्मी है, तुसे बीजेपी सरकार ने कोई दोष नहीं ला रहे, क्या कारण है जे इस सरकार जेड़ा की जेड़ा से स्कैम दे अंदर से गल कर रहे हैं ना, सेंटर गवर्नमेंट वाला बजट अलॉटेड है, सेंटर गवर्नमेंट वाला बजट अलॉट किया गया है, कहता है इन्होंने कोल स्टेट गवर्नमेंट कोल पहुंच चुका है वो बजट आगे क्यों नहीं अलॉट हो रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट दे दे। आज तक कोई रिटर्न स्टेटमेंट, कोई रिटर्न बयान, कोई रिटर्न मांग पत्र किसी सरकार नु दिते है? राज्यपाल नु मांग पत्र दे चुके हैं, असि डीसी नु जिले लेवल दे उत्ते प्रॉपरली इंटीमेशन दित्ती है, इस उत्ते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गए ने जिले लेवल दे उत्ते पूरे पंजाब दे विच, ते अज असि विधानसभा घेरा इसलिए करन जा रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ते कलरा गवर्नमेंट बॉडी हो चुकी है उस टोनर से। तुहानू लगदा कि कोई अड्डी पुलिस पहरा लग्या है, तुहानू कोई विधानसभा तक जान देगा? ए तो देखो सरकारा ना, सरकारा जदों अपने अपने काले कानूनों करदियां ने छुपाने की कोशिश करदे तो इन्नी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन दे उत्ते इन्हां नू अपने कोल बैरीकेडिंग रखनी पैंदी है, क्योंकि सच दा सामना तो इन्हां तो होना नहीं है। अज भी देखना कि इन्हां दी रिप्रेजेंटेशन लैण वास्ते किन्ने क लोग आणगे साडी रिप्रेजेंटेशन। जे देखिया जावे तो तुहाडी एबीवीपी दा जिहड़ा इकट्ठ है इस टाइम 50 तो 60 बंदिया दा इकट्ठ है, तुहानू लगदा इन्ने क इकट्ठ नाल तुसीं सरकार नू हिला दोगे? सरकार नू हिलाण लई तां जी एक सच होना बहुत जरूरी हुंदा है, असां अगर नहीं भी जान दित्ता जावेगा तो हम जब तक हमारी नहीं मांग पूरी हम अंदर जाके रहेंगे, उसके लिए हमें चाहे जो मर्जी करना पड़े। एड्डा पुलिस दा सख्त पहरा लगा है, सारी पंजाब चंडीगढ़ दी पुलिस उरे खड़ी है, तो तुहानू एंट्री कित्थों देंगे? नहीं देंगे, पर धक्काशाही तो करनी पड़ेगी, जब वो हमारी मांगे पूरी कर ही नहीं रहे, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करने, तो हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जिथे तक कहा जाता है एबीवीपी बीजेपी का ही कंग है, एबीवीपी तां इस करके तुसीं कांग्रेस ते दोष ला के राजनीति तां नहीं कर रहे? एबीवीपी दा बीजेपी तो कोई लेना देना नहीं है, असी पहला ही बोलदे आ ए विद्यार्थी परिषद है साडा, बीजेपी तो कोई लेना नहीं है। कैप्टन हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, अरे कैप्टन हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। जिहड़ा एबीवी वल्लों अज उरे धरना लाया गया, विधानसभा का घेराओ करता गया, उहदा की कारण है? सर जिहड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घोटाला 64 करोड़ रुपए का साडे सारिआं दे सामने आया है, पिछले एक महीने तो जिहड़ी एबीवीपी आ पंजाब वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लैवल के उपर राज्यपाल नूं मेमोरेंडम सौंप के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके हर इकाई दे विच अपना अपना प्रदर्शन करके पुतले फूक के ये जिहड़ा पूरे दे पूरे मांग की निरपक्ष जिहड़ी जांच हैगी आ उहदे लई जिहड़ी मांग करदी रही है, पर उस तो बाद भी जदों साडीआं मंगां नूं नहीं मंगिया गया तो अंत तक अज सानूं जिहड़ा हैगा इत्थे जिहड़ा इकट्ठा होना पिया है। पंजाब भर तों अज जिहड़े विद्यार्थी साडे सामने आए ने, जिहड़ा 64 करोड़ रुपए जिहड़े 3.5 लाख रुपया विद्यार्थियों पहला स्कॉलरशिप मिलती सी, जो अज घट के जो है लगभग 1.5 लाख के करीब वो विद्यार्थी उस स्कॉलरशिप का फायदा लै पा रहे हैं, वो 2 लाख विद्यार्थी जोड़े ने साडे उन्होंने जोड़े हकों की जी जेबा के पैसे पंजाब सरकार के द्वारा भरे गए हैं उन्होंने लैके अज असं इकट्ठे हुए हैं, जोड़े 24 करोड़ यहोजे जे कैंपसिस दिए गए हैं, जोड़े अपने कांग्रेस के भाईचारे के कैंपसिस ने उन्होंने लैके आप इकट्ठे हुए हैं। लगता है कि थोड़े उड़े रोस प्रदर्शन करने धरना प्रदर्शन करकार सिर पर कोई जू भी लगेगी? सर साडा फर्ज है आवाज़ इकट्ठी करना, मैं हमेशा कहनी हूँ भी मनिया कि नेरा बहुत कणा है, पर यह मतलब यह नहीं भी दीवा जलाना मना है, ठीक है, असं इतने इकट्ठे हुए हैं, असं इतने कोशिश करते रहेंगे जदों तक साड़ी रिप्रजेंटेशन नहीं जाएगी कि जी पंजाब सरकार के कन बोले जे कन हो चुके हैं, विद्यार्थी विरोधी कन हो चुके हैं, उन्होंने तक साड़ी आवाज़ नहीं पहुँच तक देखा जाए तो विधानसभा के बाहर चौंक में ही बैरीकेडिंग करके तुहानू रोक दिता गया है, तुहाडे वाटर कैनन दी बछाड़ा भी करने की कोशिश की जा रही है। सर पंजाब सरकार पुलिस बिल्कुल सर पंजाब सरकार देखो तुम जो कैमरा घुमाओ उधर से पंजाब सरकार लगातार देखो ये मेरे नाल विद्यार्थी जेड़े भाई ने विद्यार्थी है पंजाब का यो विद्यार्थी है जेड़ा पढ़ लिख के अज बेरोजगार घूम रहा है ये वो विद्यार्थी है जेड़ा अपने हक मंगने लिए इकट्ठा होंगे और पंजाब सरकार उत्ते कैनन चलाउंदी है, इसलिए मैनू लगता है कि यह सीधा सीधा जो साडा कैमरे च दिखाई दे रहा भी पंजाब विरोधी सिख्या की जी विरोधी पंजाब सरकार की जी नीति है उन्होंने लैके अज असं इकट्ठे हुए हैं और असी कोशिश करते रहेंगे जब तक सानू अगे नहीं जाना पवेगा। तुहानू नहीं लगता कि करोना वायरस का डर तुहाडे मना चो खत्म हो चुका जिस तों बाद तुहाने धरना प्रदर्शन करने शुरू कर दिते? साडियां स्कॉलरशिपां नू साडे नाल दे 2 लाख विद्यार्थियों दे हक्कां नू मारिया जाएगा, सानू इत्थे इकट्ठा होना पवेगा, जद थाली दे विच रोटी नहीं हुंदी है तो करोना का डर भी जिहड़ा मैनू लगता खत्म हो जाता है, जदों तुहानू डिग्रियां दी जिहड़ी आ रिपोर्ट नहीं मिलती है तो मैनू लगता है कि तुहाडे लई इकट्ठा होना बहुत जरूरी हो जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏਬੀਵੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਬੀਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
जिस तो बाद एबीवी दे वर्करा दे उत्ते डांग बरसाई जा रही है। एबीवी वर्करा वालों लगातार डटवा विरोध किया जा रहा है। एबीवी वर्करा वालों उन्होंने सिरों पर सड़कों के पाए दिस रहे हैं। तो दिखा दईए कि स्काई न्यूज पंजाब से एक्सकलूसिव तस्वीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਏਬੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਏਬੀਵੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਚਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।